तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा गाजर का जूस तैयार है। और यहाँ पे जो क्रश किया हुआ गाजर है उसे हम फेंकेंगे बिल्कुल भी नहीं, इसका हम पाउडर बनाएंगे। और पाउडर बनाने के लिए हमें इसे सुखाना पड़ेगा जिससे कि हम फेस पैक के लिए इसे यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे मैंने पैन गरम कर लिया है। अगर आप किसी बर्तन पे लेते हैं ये तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल बॉयलर पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने पैन लिया है तो मैं यहाँ डायरेक्ट इसमें जूस डालूँगी और उसे हल्का सा बिल्कुल लो फ्लेम में इसे गरम करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर। इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। इसे मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब हम इसे ऐड करना है मलाई, ठीक है। तो मलाई भी ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल गाढ़ी, मतलब गाढ़े दूध में हो। जैसे हम मलाई स्टोर करते हैं तो उसमें जो मिल्क स्टोर होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो वही हमें वही मलाई लेनी है। तो यहाँ पे है मेरे पास ये मलाई दूध। तो यहाँ पे मैं कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और मुझे ऑयल वगैरह जो ज़्यादा पसंद है भी नहीं। तो यहाँ पे मैं हमेशा, मतलब जो कि अगर हम सिर्फ गाजर और ये जो हमने राइस फ्लोर मिलाया है तो अगर हम इसे लगाएंगे तो ये हमें स्किन को क्या कर देगा, ड्राई कर देगा और ये अब्जॉर्ब भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी स्किन को हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए हम कोई ऑयल यूज़ नहीं करें। यहाँ पर मैं इसलिए यहाँ पर मलाई का, मलाई और जो दूध का मिक्सचर है इसे ऐड कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी क्रीम रेडी हो गई है। तो आप यहाँ देखिए कि मैं पहले से इस क्रीम को यूज़ कर रही थी और ये मेरी ख़त्म होने को है तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा बनाई है। तो आपने देखा कि ये क्रीम हमें कैसे बनानी है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके काम की, ये किस तरह से काम करता है। तो जो कैरेटिन का जूस होता है उसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट जो कि एंटी एजिंग के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। अब दूसरा है हमारा ये कैसे फेयर करता है हमारी स्किन को। तो देखिए जो हमारे स्किन के जो डेड सेल्स होती हैं उन्हें ये रिमूव करता है और हमारे त्वचा में एक रंगत लाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी त्वचा होती है वो निखरती है। अब तीसरी चीज़ ये है कि ये हमारे स्किन को कैसे नमी देती है। तो इसमें होता है पोटेशियम, ठीक है, जो कि हमारे स्किन को पोषण देता है। और पोषण रहेगा तो हमारी स्किन ड्राई नहीं रहेगी, एक नमी रहेगी, हमारी स्किन हाइड्रेट रहेगी। तो ये क्रीम मुझे बहुत ही अच्छी लगी और इतनी अच्छी लगी आपने देख आप देख ही चुके हैं, मैंने आपको दिखाया है कि मैं इसे पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। अगर अच्छी नहीं होती तो मैं ये दोबारा नहीं बनाती, बिल्कुल भी नहीं बनाती। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने रिजल्ट ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा।